बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन दिनों मईशत के हवाले से मुतअद्दिद तजर्बात करने में लगी है और मईशत जो है अब मुकम्मल तौर पर जो है वो टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर दी गई है, जो कि जमहूरियत जब आई इंग्लैंड में तो उस वक्त ये नारा दिया गया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मगर अब पूरी की पूरी मईशत को जो है वो टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर दी गई, जो कि मुंतखब नहीं है। इसमें अगर हम देखें जो टेक्नोक्रेट्स की 5 रुकनी कमेटी है उसमें हमें नजर आते हैं शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब का मुख्तसर सा तारुफ यह है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना रहे, परफॉर्म नहीं कर सके और उन्होंने खुद ही वजारत छोड़ दी। शौकत तरीन जो है पुराने साबिक सिटी बैंकर हैं और जो है वो इस वक्त सिल्क बैंक के जो बोर्ड के हैं उसमें एडवाइजरी का काम सर अंजाम देते हैं। शौकत तरीन अपने अगर उनका प्रोफेशन देखा जाए तो सिटी बैंक इनका था प्रोफेशन और उसमें वो पाकिस्तान के हेड रहे। सिटी बैंक छोड़ने के बाद शौकत तरीन को हुकूमत ने हबीब बैंक हवाले किया, बतौर प्रेसिडेंट हबीब बैंक शौकत तरीन ने उसको रिवाइज किया। करोड़पति स्कीम आपको शायद याद होगी जिसमें जिसके जरिए हबीब बैंक को रिवाइव किया गया। शौकत तरीन हबीब बैंक को तो रिवाइव करने में कामयाब रहे, मगर अपने छोटे बैंक को जो सिल्क बैंक है उसको एक बड़े बैंक में मुंतकिल करने में, बड़ा बिजनेस डेवलपर बैंक बनाने में नाकाम रहे हैं। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती है मगर ये एक अहम चीज है। इसके अलावा अगर हम देखें सैयद सलीम रजा, ये हाशिम रजा जो कि कराची के तकसीम हिंद के बाद पहले कमिश्नर थे उनके साहिबजादे हैं। सलीम रजा का खानदान जो है ब्यूरोक्रेसी में खास अहमियत रखता है। इसी हवाले से इनके जो भाई हैं अली रजा वो नेशनल बैंक के सदर रहे हैं और नेशनल बैंक को टर्न अराउंड करने में मुतअद्दिद इकदाम करने में उन्होंने मुख्तलिफ काम किए। सलीम रजा को और अली रजा को मैं मुतअद्दिद दफा इंटरव्यू कर चुका हूँ। सलीम रजा गवर्नर स्टेट बैंक रहे मगर उनकी सदर जरदारी से नहीं बनी, जिसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, गवर्नरी छोड़ दी और गवर्नरी पर कंप्रोमाइज किया। सलीम रजा के जो क्रेडेंशियल है वो भी साबिक बैंकर हैं और कंज्यूमर बैंकिंग और इंटरनेशनल बैंकिंग कम्युनिटी में उनका एक बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास नजर आते हैं सदीक सईद। सदीक सईद साहब एक पाकिस्तानी बॉर्न, कराची में पले बड़े हैं, कराची ग्रामर स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की, इसके बाद वो लंदन शिफ्ट हुए हैं। वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है, बैचलर, और मास्टर्स किया है फाइनेंस में। इसके बाद वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से मुंसलिक हो गए हैं, मुतअद्दिद जो है ट्रांजेक्शंस में उन्होंने हिस्सा लिया है, जैसे लीमन ब्रदर्स का जो यूरोप और दीगर मुल्कों का बिजनेस था उसके एक्विजिशन में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है, इस वजह से वो मशहूर भी हुए हैं। इस वक्त प्राइवेट इक्विटी फंड चला रहे हैं लंदन में और इनका गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है, मगर ये कैपिटल मार्केट्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो सईद सादिक हैं ये जेएस इन्वेस्टमेंट और सिल्क बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मुंसलिक हैं। जेएस इन्वेस्टमेंट वही है जो कि जहांगीर सिद्दीकी साहब की है और जिनके साहबजादे इस वक्त अमरीका में जो है पाकिस्तान के सफीर हैं। शेर आजम साहब मदारी जो है ये भी पुराने बैंकर हैं। इनका ज्यादातर ताल्लुक जो है कंज्यूमर बैंकिंग से रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड इनका कोर जो था वो रहा है, इनका कोर क्या कहना चाहिए कि इनका कोर जॉब रही है। इसके अलावा उन्होंने मुतअद्दिद जॉब की हैं मगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में ये आते जाते रहे हैं, कंज्यूमर बैंकिंग से इनका ज्यादातर ताल्लुक है। तो ये 5 रुकनी एक बोर्ड बना दिया गया है, इस बोर्ड को जो इतलात आ रही है वो हेड करेंगे जहांगीर तरीन के हवाले से आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे चुकी है, इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर मजबूती तौर पर देखा जाए तो वो जो जमहूरियत का एक बुनियादी फलसफा है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन और जो अब उसको इकोनॉमी पॉलिसीज में और भी आगे लाया गया है कि जो इकोनॉमी और माशी तरक्की है वो अवाम की ज्यादा से ज्यादा शराकत के साथ होनी चाहिए, तो वो हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। ये एक मखसूस किस्म की तरीन लॉबी जो कि शौकत तरीन एंड ब्रॉडर और जहांगीर तरीन के एम्बेड में काम करेगी और अब ये देखना है कि ये माशी तौर पर किस तरह से
हुकूमत को इन चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। जहां तक अब्दुल हफीज शेख का ताल्लुक है तो वो हुकूमत को IMF और वर्ल्ड बैंक के मामलों को हल करके दे सकेंगे, जबकि ये जो बाकी टीम हमें नजर आ रही है शब्बर ज़ैदी टैक्सेशन के मामलों में है इस्लाहा पर काम कर सकेंगे, और बाकी जो बैंकर्स हैं वो इंटरनेशनली जो बॉन्ड्स फ्लोट करने हैं पाकिस्तान ने और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी लानी है स्पेशल इक्विटी फंड्स की जो सरमायाकारी आनी है उसको लाने के लिए बाकी अफराद कारामद हो सकेंगे। मगर अब देखना है कि ये तजर्बा किस हद तक कामयाब रहता है, टेक्नोक्रेट्स किस हद तक पाकिस्तान की मईशत को माली नस्व नस्क को दुरुस्त करते हैं, सरमायाकारी में इजाफा करते हैं, जॉब क्रिएशन करने में कामयाब होते हैं, टैक्सों के निजाम को बेहतर करने में कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये एक नया तजर्बा है, अब देखते हैं कि ये टेक्नोक्रेट्स किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको मजीद इस तरह के तफसीर सुनने हो तो हमारे चैनल को तजिया राजा कामरान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।